गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर्यन सर आपके लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी का प्रत्यय का टॉपिक। जैसा कि हम लोगों ने कल तक उपसर्ग निपटा लिया था, आज हमारा प्रत्यय का टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मैंने आपको ये टॉपिक बताए थे, एक टॉपिक वर्णमाला बताया था। पहला टॉपिक हमारा हो चुका है, पूरा प्लेलिस्ट में आपका पड़ा है वीडियो। दूसरा आपका वर्तनी है, ये भी तीन पार्ट में बना था। अब तीसरा आपका उपसर्ग था, उपसर्ग हम कल ही पूरा करके रुके हैं। ठीक है, उपसर्ग हम बता चुके थे। टोटल आपके ओवरऑल 70 उपसर्गों की संख्या जो थी वो आपको बता दी गई थी। और मैंने आपको बताया था उपसर्ग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संधि कहीं ना कहीं तोड़ेंगे तो वो उपसर्ग का ही रूप बनेगा। आप संधि तोड़ के देखिए, 50% संधि उपसर्गों ही होती है। ठीक है, चौथा हमारा आज जो है वो प्रत्यय का सेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी लगभग कम से कम 130 से 150 के समथिंग आपके प्रत्यय हैं। टोटल प्रत्ययों की संख्या बता रहा हूँ तो इतनी है। अब ये आप नोटिस कीजिए कि 70 और ये 150 करीब, देखो 130 है समथिंग, ये आपके बैठेंगे जाके 200 प्लस होंगे। ये दो चीज़ें हमारी इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको शब्दकोश भी बनाना है तो इन्हें दोनों चीज़ों से बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आप जितना भी शब्दकोश का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा शब्दकोश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शब्दकोश पढ़ रखा है तभी कोई एग्जाम निकलेगा। अगर आपका जीडी का एग्जाम देख लो, सबसे ज्यादा इसमें शब्दकोश आता है। और शब्दकोश मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस जब लिखवाया है पहले, उसमें तो सब लिखवा दिया है, चाहे तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे देशज हो, चाहे विदेशज हो, चाहे संकर हो। और सबसे ज्यादा शब्द आपके विदेशज में है क्योंकि उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं। अंग्रेजी है उसमें आपके, चाहे आपके फारसी ले लो, तुर्की ले लो, चाहे चाइनीज ले लो, सारे शब्द उसके अंदर हैं। तो इसलिए शब्दकोश इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, शब्दकोश जो है इनका भी निर्माण कहीं से हुआ होगा, कहाँ, क्योंकि मूल शब्दों से हुआ होगा। तो मूल शब्द कह लो या आप ये कह लो कि जो हमारा रूढ़ शब्द बचता है, कौन बचता है, रूढ़, वो कह लो। तो ये जो शब्द है ये हमारे बहुत में बहुत 10 से 15% आपको खाली देखने में मिलेंगे, नहीं तो बाकी के जितना ही परसेंटेज है इनमें या तो आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा या आपको प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब आपको उपसर्ग और प्रत्यय से ही सबसे ज्यादा शब्द मिलेंगे। जितने भी शब्द होते हैं, कोई भी शब्द ले लो, चाहे आप बिछौना ले लो, चाहे आप चारपाई ले लो, चाहे खटाई ले लो, मिठाई ले लो, बड़प्पन ले लो, पागलपन ले लो, बुढ़ापा ले लो, ये सारे शब्द में कहीं ना कहीं प्रत्यय लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब हर शब्द में प्रत्यय का यूज होता है या हर शब्द में आपका उपसर्ग का यूज होता है। और जिन शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय का यूज नहीं होता है तो वो आपके मूल शब्द या रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि आप ये देखे होंगे। तो इसलिए आपको अब बताइए कि आपको तत्सम याद करना है, तद्भव याद करना है, देशज याद करना है, विदेशज याद करना है, संकर याद करना है, पांच आपको उत्पत्ति के आधार पर आ गए, फिर एकार्थी याद करना, अनेकार्थी याद करना, पर्यायवाची सैकड़ों याद करना है, उसके बाद आपके विलोम शब्द याद करना है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो कुल मिलाकर हमारे कितने शब्द हो गए, काफी शब्द हो गए। इतना शब्द हम कैसे याद कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000, अगर 1000 भी शब्द अगर वो कहने की एक किताब में है, आप इससे याद कर लो, पेपर फंस जाएगा, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम उसकी जड़ों पे जाएं, और जड़ों पे जाने के लिए हमारे लिए दो ही पॉइंट है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, केवल उपसर्ग हमें 70 याद करने हैं और प्रत्यय जो है वो लगभग 130 प्रत्यय हैं। ठीक है, और 130 प्रत्यय से भी हमारे केवल 5 टॉपिक बनेंगे। 5 टॉपिक में पहला क्रिया होगा जो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, और बाकी जो शब्द वाला होगा जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, इस टाइप की चीजें होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज प्रत्यय हो जाती है। तो भाई उपसर्ग हमने पढ़ लिया है, अब प्रत्यय हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों, क्योंकि हर शब्द में हमारा प्रत्यय का रोल है। तो शब्दकोश नया बनाना है, शब्दकोश में वृद्धि करनी है, तो कहीं ना कहीं 130 प्रत्ययों से करेंगे। और 130 प्रत्यय मूल रूप से दो तरीके से बटे हुए हैं, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कह लो, या फिर तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वह होते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए भूलना। अब भूलना में अगर अक्कड़ प्रत्यय लग जाए तो भुलक्कड़ हो जाता है। इसका मतलब भुलक्कड़ क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, और ये संज्ञा जो हुआ है ये किससे बना, क्रिया से बना, तो ये कृदंत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही अगर आपसे लगा जाए बूढ़ा व्यक्ति, तो विशेषण होता है, इसमें आपा लगा दिया जाए तो बुढ़ापा हो जाता है। तो ये आपका सर्वनाम, जो आपका नाउन था वो आपका कौन था, भाववाचक संज्ञा बन गई है, और ये शब्दकोश में आ जाता है। तो कुल मिलाकर प्रत्यय उपसर्ग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हिंदी की शुरुआत करेंगे
तो वर्णमाला वर्तनी जरूर पढ़ें। उसके बाद ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये दो टॉपिक आपने नहीं पढ़े तो आप पढ़ पूरी हिंदी लो मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर शब्दकोश में कमजोरी रह जाएगी। और शब्दकोश को स्ट्रांग करना सबसे ज्यादा पेपर में शब्दकोश ही आता है, तो ये ध्यान रख लो कि ये दो चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। तो 70 उपसर्ग पढ़ लिए हैं और मैंने आपको बताया 70 उपसर्ग में जैसे कि आपने पढ़ा था एक शब्द पढ़ा था पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म आपने पढ़ा था और मैंने कहा था कि पुनर्जन्म जो है इसमें जो आपका उपसर्ग है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या था, पुनर था, क्या था, पुनर था। और ये पुनर उपसर्ग किसका है, संस्कृत के अव्यय का है। तो संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग थे और अव्यय किसके थे, उसके 10 थे, टोटल 32 हो गए। तो इस तरीके से हमने उपसर्ग निपटा लिए थे, मगर आज हमारा रोल क्या है, प्रत्यय पढ़ने का है। तो चलिए आज प्रत्यय पे आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, इसलिए पार्ट बना रहे हैं ताकि आपके पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, पूरी तरीके से आपकी बात समझ में आ जाएगी। और इसमें आपको केवल करना कुछ नहीं है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको 2 या 3 बार आपको वीडियो देखनी है, जब ये 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको सारे प्रत्यय याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 है हमारा प्रत्यय का, और प्रत्यय का काफी बड़ा रोल है, पूरी हिंदी में प्रत्यय का सबसे बड़ा रोल है, उपसर्ग का तो रोल ही है, प्रत्यय का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रत्यय लगाने से हम क्या बना सकते हैं, संज्ञा बना सकते हैं, प्रत्यय बनाने से आप क्या बना सकते हैं, क्रिया बना सकते हैं, प्रत्यय लगाने से आप विशेषण बना सकते हैं, प्रत्यय लगाने से क्रिया विशेषण बना सकते हैं। तो इन प्रत्ययों से हम पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा होता है जिसे विकारी अविकारी शब्द कहते हैं, वो सारी चीजें इससे निर्माण करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहली बात देख लो, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, सफिक्स इंग्लिश में बोला जाता है, प्रत्यय आपका प्रति प्लस अय होता है, प्रति का मतलब होता है साथ और ये मतलब होता है अमीस जोड़ना, मतलब किसी शब्द के आगे जोड़कर उसको नया रूप प्रदान करना ही प्रत्यय कहलाता है। एग्जाम्पल परिभाषा देख लेते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि दया में अगर आलू शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, दयालु। तो इसका मतलब दयालु जो हमारा है वो रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ शब्द इसमें क्या आएगा, दया आएगा, आलू क्या है हमारा, प्रत्यय है। तो इस तरीके से देखा हमने कि जो प्रत्यय है वो किससे बन गया, दयालु से बन गया। अब इसके हम दो टाइप देखते हैं, अगर हम इसके टाइप देखें तो इसके मुख्यतः केवल दो ही प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार है, मुख्यतः इसके कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। और जो 2 प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय, ये काय में लगते हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय किस किस में लगेंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, इनके अंत में लगते हैं। तो ऐसी चीज हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यय कहलाती है। तो आप खुद देखो, क्रिया भी इसमें क्लियर हो रहा है, संज्ञा भी क्लियर हो रहा है, सर्वनाम क्लियर हो रहा है, विशेषण क्लियर हो रहा है और अव्यय क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने आपसे यहां बोला मीठा, ठीक है, और इसमें मैंने एक आई प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया, मिठाई बन गया, क्या बन गया, मिठाई बन गया। अगर मैंने एक शब्द जोड़ा बच्चा और इसमें जोड़ दिया पन, पन प्रत्यय जोड़ दिया तो इसका रूप क्या बनेगा, बचपन, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर जी यहाँ तो पन अगर निकालने के बाद बच बचना चाहिए, मगर एक बात और ध्यान रखना, जो भी शब्द जोड़ेगा वो सार्थक होगा, उसका एक अर्थ होगा, तो बच का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो बच्चा होता है। तो यही हमें सेंस देना पड़ेगा। अगर आप देखें कि नीति शब्द है, क्या है, नीति शब्द है, अगर इसमें एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जो नी होता है ये नए में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनता है नैतिक। इसके भी सारे ट्रिक बताऊंगा मैं। अगर आप देखो समाज, और समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से देखो उसका अर्थ क्या होगा, सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। तो देख रहे हो आप यहां पर इसका रूप बदलता जा रहा है, तो प्रत्यय लगने से आपके शब्द में भी परिवर्तन हो रहा है, प्लस वो रूप बदल रहा, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से आपका एडजेक्टिव से विशेषण हो गया, विशेषण से क्रिया हो गया, क्रिया से क्रिया विशेषण हो गया। तो ये सारे शब्द आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं हम यहाँ पर, अगर और देखें हम तो ये क्रिया वाले देखें, जैसे कि हमने कहा भूलना, अब देखिए भूलना क्रिया होता है, अब भूलना क्रिया है, ये नाभि इसमें प्रत्यय लग हुआ, तो इसका मूल रूप क्या हो गया, इसका जो प्रारूप है मूल, इसमें हमने एक प्रत्यय लगा दिया अक्कड़, ठीक है, अक्कड़ हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, भुलक्कड़ बन गया, क्या बन गया, भुलक्कड़ बन गया, देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर लड़ना होता उसमें आकू लगा दे, लड़ना प्लस आकू,
लड़ाकू हो जाएगा, पढ़ना प्लस आकू पढ़ाकू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आकू शब्द है, आकू शब्द है, आख है, आस है, एक है, ये सब क्या है, पिड़ते हैं। अब बात ये होती है कि पिड़ते हम किसी शब्द को तोड़ के बताएं तो उसमें मजा नहीं है। आप सारे पिड़तों को जान लो, एक बार जान लो, भले ही याद ना करो, जान लो कि पिड़ते आखिर होते कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द में लगेंगे जो पिड़ते का काम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मैंने आपको दो चार एग्जाम्पल दे दिया, समझा दिया और आपका पेपर फंस जाएगा, नहीं फंसेगा। आपको सारे पिड़तों की ओवरऑल जितना पिड़ते बना है आज तक, उन पिड़तों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड पिड़ते बने हैं। ऐसा नहीं है आप सोचो लाखों करोड़ों पिड़ते बने हैं। मैंने जैसे उपसर्ग टोटल बताए थे, ओवरऑल 70 उपसर्ग बताए थे। आप इससे पहले देखना, आपने शायद ही पढ़े भी ना हो इतने। ज्यादातर लोग संस्कृत के बता देते हैं, हिंदी के बता देते हैं, मगर पेपर में क्या होता है, कई बार अरबी के, कई बार अंग्रेजी के और कई बार संस्कृत के अव्यय से क्वेश्चन बन जाता है। जब क्वेश्चन बनता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, मैं यहाँ बोलूं नील, मैं यहाँ बोलूं अफ, यहाँ बोलूं मैं सर, अब मैं बोलूं हम, अब यहाँ पर चार शब्द लिखे हैं। जब आपने टोटल 70 उपसर्ग पढ़े होंगे तो यहाँ पहचान लोगे कौन सा उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो आप कहोगे सर जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ ये पढ़ा था आपने, पढ़ाया था सर, ये भी हम पढ़ाया था, हमदर्दी बना था, सर से सरकार बना था, तो ये उपसर्ग है। इसी तरीके से पिड़ते है कि जब पिड़ते आपको पता ही नहीं होगा कि पिड़ते होते कौन से हैं, तो दो चार एग्जाम्पल से क्या पिड़ते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया चार टॉपिक आपको बहुत डीप पढ़ने हैं, वर्णमाला है, वर्तनी है, उपसर्ग है, पिड़ते है। इसके इन चार टॉपिक को क्लियर से पढ़ लो, संधि आपको बिल्कुल हवा की तरह निपटाओगे आप, आपको लगेगा संधि में कुछ है ही नहीं। संधि तो हमारी बनी उपसर्ग पिड़ते से है, वर्णमाला से बनी है, वर्तनी से बनी है, संधि कोई नए चीज थोड़ा बनी है। ये वर्णों को तोड़ते हैं, कोई वर्ण टूटता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर तोड़ दूं अत्याचार, तो मैंने आपको कई बार बताया है, तो यहाँ पर अति प्लस आचार हो जाता है। ठीक है, अति प्लस आचार हो जाता है। ऐसे अगर मैं आपसे कह दूं चलो भाई ऐतिहासिक शब्द को तोड़ो, तो जो ऐतिहासिक शब्द है तो क्या तोड़ोगे आप भाई, इतिहास तोड़ोगे और प्लस एक तोड़ोगे, और एक हमारा क्या होता है प्रत्यय होता है, इतिहास हमारा एक सब्जेक्ट होता है, इन दोनों को जोड़कर ही ऐतिहासिक बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यय का और उपसर्ग का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए जितना भी प्रत्यय पढ़ो, जैसे आपने उपसर्ग 70 पढ़े हैं, एक बार पांचों उपसर्ग फिर से वो वीडियो देखकर पढ़ लेना और फिर प्रत्यय पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद हमारा टॉपिक संधि का ही होगा। और फिर आप खुद कहोगे कि अगर आपने वर्णमाला, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय चार टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आप संधि कहोगे सर जी संधि सबसे इजी टॉपिक और सबसे मजेदार टॉपिक है, क्योंकि वहां पर आपको शब्द तोड़कर पता लगेगा जो रूढ़ शब्द होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं, उपसर्ग किधर निकल के भागता है और प्रत्यय किधर निकल के भागता है, तो ये सारी चीज पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, जान लिया जाए कि हमारा जो प्रत्यय होते हैं वो दो तरीके होते हैं। पहला होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, ये क्रिया के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं, तो संज्ञा के अंत में भी लगेगा। मैंने आपको बताया था संज्ञा के अंत में लग गया बच्चा, भैया पन लगा दिया हमने, अब यह है सर्वनाम क्या है अपना, पन लगा दिया। ठीक है, अब आपने कह दिया ईमानदार, ठीक है ई लगा दिया आपने इसमें, आपने और भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो ये आपके यहां से होगा क्या, बच्चा से क्या हो गया, ये आपका भाई बचपन हो गया, अपना से क्या हो गया, अपनापन है हमारे अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो गया, ईमानदारी हो गया। तो ये आप देखो कि ये जो आपके संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, इन सारी चीजों के साथ जुड़ने के बाद ये बन क्या रहे हैं, ये हमारे शब्द बन रहे हैं नए। बचपन भी आपका क्या बना, अपनापन, ईमानदारी, ये सब संज्ञा बनी है, मगर ये जो संज्ञा थी वो क्या थी, आपकी कॉमन संज्ञा है, मतलब जातिवाचक है, ये सर्वनाम है। ईमानदार आपका क्या है, ये विशेषण है। तो इन तीनों के नाम अलग हैं, मगर ये तीनों चीजें जो हमारी बनी हैं वो संज्ञा बन गई। कौन सी संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो आप खुद देखो प्रत्ययों से तो हम संज्ञा बनाएंगे, सर्वनाम बनाएंगे, विशेषण बनाएंगे, क्रिया विशेषण बनाएंगे, कई शब्दों का निर्माण करेंगे, तो इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। संधि में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, समास में भी इसकी इंपॉर्टेंट है, और कुल मिलाकर जितना भी शब्द पढ़ोगे उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से बड़ी किसी में कोई रोल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर समथिंग आप 130 ये मान लो, और 70 उपसर्ग हैं, ये 200 आपको देखने हैं,
और 200 से आप कम से कम 2000 ने 20000 शब्दों का निर्माण कर दोगे। तो इतना बड़ा शब्दकोश अगर आपको करना है तो ये छोटे छोटे 200 पॉइंट पढ़ना पड़ेंगे। फिर आप देखो कि सारे शब्द जितना भी हिंदी भाषा के शब्दों का निर्माण हुआ है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कैसे शब्दों का इतना बड़ा निर्माण हुआ, क्योंकि हमारी प्राचीन भाषा तो संस्कृत है और संस्कृत में लिमिटेड शब्द थे और उसमें तत्सम का यूज था। आखिर तद्भव क्यों बने, तद्भव के बाद देशज का क्या रोल था और विदेशज होने के बाद इतने शब्द कैसे आ गए, फिर उसके बाद आपके संकर आ गए। देखिए पांच तरीके से उत्पत्ति के प्रकार के शब्द हम पढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे एकार्थी शब्द कैसे बने, अनेकार्थी शब्द क्यों बने और ये विलोम पर्यायवाची की क्या जरूरत पड़ी, ये सारा शब्दकोश में चलेगा। बस चूंकि अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, प्रत्यय चल रहा है, तो इस प्रत्यय का सबसे बड़ा रोल होगा शब्दकोश के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़े से प्रत्यय। अब देखिए कुछ प्रत्यय हैं, कुछ मैंने हल्की सी एक वो बना दी है कि हिंदी के कृत प्रत्यय, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्सेस ऑफ हिंदी। तो देखिए मैंने अभी दो तरीके प्रत्यय बताए थे हिंदी में, एक होते हैं कृत प्रत्यय, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के बाद लगते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्दों के बाद लगते हैं। ध्यान रखना शब्द के बाद जो प्रत्यय लगेंगे वो तद्धित होंगे और जो आपके क्रिया के बाद लगेंगे वो कृत या कृदंत प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पहले ही पढ़ ले रहे हैं हिंदी के कृत प्रत्यय प्राइमरी सफिक्सेस ऑफ हिंदी। आज केवल प्रत्यय पढ़ेंगे और कल हम इसके शब्दों का निर्माण करेंगे, तोड़ेंगे बढ़िया करके। ठीक है, तो आज प्रत्यय पढ़ लीजिए। तो देखिए मैंने थोड़ा सीरीज बनाई है क्योंकि हमेशा हमें ज्यादा से ज्यादा चीज याद रखना है, तो बड़माला की सीरीज बना लो क्या आप देख लो याद रहेंगे। छोटा आ से कौन कौन से होते हैं, देखो अकड़ अंत अंतु अंकु, ये चार आपके जो प्रत्यय हैं वह छोटा आ से बन जाते हैं। हम याद भी हो जाएगा भाई, अक्कड़ हो गया, अंत हो गया, अंत हो गया, अंत हो गया, इस तरीके से हो गया अंत अंतु अंकु अंकर। बड़ा आ से देखो सबसे ज्यादा प्रत्यय होते हैं, आ भी होता है, आई भी होता है, आओ भी होता है, आक होता है, आका होता है, आपू होता है, आन होता है, आप होता है, आपा होता है, आव होता है, आवा होता है, आवत होता है, आवन होता है, आवना होता है, आवनी होता है, आहट होता है। ये सारे प्रत्यय हैं, जब शब्दों में लगेंगे तो अलग तरीके का ये अर्थ देंगे। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, खटास हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या देंगे, ये आपके प्रत्यय देंगे। तो ये कौन से हैं, बड़ा से प्रत्यय हैं। पहले प्रत्ययों की संख्या रटो, फिर ई जो है ई से या होता है, यल होता है, यल तो आपने बहुत पढ़ा होगा, अड़ियल हो गया, सड़ियल हो गया, घड़ियल हो गया, ठीक है, ये सब यल से बनते हैं। उसके बाद या से भी बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ी ई से बड़ी ई होता है, ठीक है, उसके बाद ऊ से वा होता है, बड़ा ऊ से ऊ होता है, ए से एरा होता है, ए से एरा होता है, चचेरा ममेरा फुपेरा ये शब्द बनते हैं, तो ये एरा से ही तो बनते हैं। तो फुपेरा चचेरा जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है, इसके अंदर भी प्रत्यय है, तो ये ध्यान रखना है। चाचा प्लस एरा चचेरा होगा, मामा प्लस एरा ममेरा होगा, तो ये हम इसके मूल शब्द पढ़ेंगे और ये पहले पढ़ेंगे हम क्या प्रत्यय पढ़ेंगे। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आपके मैं छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूं, ज्यादा लंबे नहीं बना रहा हूं। पहले पार्ट में हिंदी के सारे प्रत्यय रख लो, दूसरे पार्ट में आप तद्धित वाले प्रत्यय पढ़ लो, पहले में कृत प्रत्यय, दूसरे में तद्धित प्रत्यय, फिर पूरी एक शब्द कोश इसका बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, अभी छोटा आ से हो गया, बड़ा से हो गया, छोटा आ से अकड़ अंत अंतु अंकु, बड़ा से आ आई आऊ आक आका आकु आन आपा आप आपा आव आवा आवत आवन आवना आवनी आहत, इससे सबसे शब्द बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर ई से या यल, बड़ी से ई, ऊ से वा, ऊ से ऊ, ए से एरा। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं, फिर देखिए आपके कुछ स्लाइड आ जाती है, ऐ से ऐत होता, आया होता, एल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जब शब्द बनेंगे तो आप खुद देखोगे, अरे यार ये शब्द तो हमने बहुत सुने हैं, ये शब्द सुने हैं, उसके अंदर प्रत्यय भी होते हैं, आप समझोगे शायद ये छोटे छोटे शब्द इनके अंदर प्रत्यय नहीं होगा, मगर उनके अंदर ही प्रत्यय होगा। फिर आप ओ से देखो ओड़ ओड़ा, औ से औता औती औना औनी औवल, ठीक है, का से का की, ता से ता ताती, ना से ना ना नी, वा से वया, हा से हा। तो टोटल ये आपके हिंदी के कृत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय इसके बाद की स्लाइड में पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। पहले इतने प्रत्यय आपको तैयार करना है, इन प्रत्ययों से पूरा कल शब्दकोश बनेगा और फिर हमारा क्या पढ़ेंगे हम कृत तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। टोटल ओवरऑल अगर प्रत्ययों की बात की जाए तो प्रत्ययों की जो हमारे प्रत्यय हैं, टोटल ओवरऑल प्रत्ययों की बात की जाए तो यहाँ पर आपके हिंदी वाले 46 प्रत्ययों का निर्माण होगा, जो हिंदी के जो हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे तो लगभग 46 प्रत्यय होंगे। इसके बाद जो हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, तद्धित, ठीक है, जो हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें हमारा क्या होगा,
पढ़ते पढ़ाएंगे, ये हमारे थोड़े ज्यादा होंगे, इसको आप लगभग 70-80 के करीब समझ लो, 70-75-80 के करीब समझ लो, ये हमारे ज्यादा होंगे क्योंकि शब्द बनेंगे ना इससे। इससे तो खाली हमारी क्रिया बनेगी 46 से, क्रिया वाले पढ़ते होंगे, मगर इससे जो बनेंगे हमारे वो संज्ञा भी होगा भाई, सर्वनाम भी होगा, विशेषण भी होगा, ठीक है। ये चीज तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारी चीजें इससे बनेंगी, अव्यय भी बनेगा, ठीक है, अव्यय भी बनेगा। तो इतनी चीजें हमारी केवल तद्धित प्रत्ययों से बनेंगी, तो कुल मिलाकर ये 46 प्रत्यय हो गए हैं। तो एक बार इनका फिर से स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले लें आप और इनको अच्छे से आप रिपीट कर लें, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप देखिए बढ़िया तरीके से, आपका यहाँ पार्ट वन है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं और उसके बाद जब ये पूरा उतार लें तो दूसरे नंबर पर आप ये उतार लें, ठीक है। इसके प्रकार उतार लें, दो ही प्रकार के होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसको कृत भी कहते हैं या कृदंत भी कहते हैं, कृदंत में भी कृत प्रसंग होता है, आगे हम ये देखेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद ये वाला देखेंगे, ये पूरा हिंदी के कृत प्रत्यय प्राइमरी स्ट्रक्चर से चल रहे हैं। तो ये टोटल ओवरऑल अगर आप ये गिनोगे सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से गिनोगे तो ये ओवरऑल हमारे कितने बैठ जाएंगे, हाँ तक है ये 40 बैठेंगे लगभग। तो 40 प्रत्यय आपको हिंदी के पढ़ना है और कल इसके हम पूरे शब्द बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे होगा, इसका मूल शब्द भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी के तद्धित प्रत्यय आप जान लो कि ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है, मतलब कृत प्रत्यय। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहेगा, छोटा पार्ट रहेगा ताकि आपके ऊपर भी ज्यादा लोड ना पड़े, पेपर में भी समय है, कल हम इसके लिए आगे लेक्चर लेके आते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी के लिए।